फ्रेंड्स, आज एक नई सिचुएशन के साथ। सिचुएशन थोड़ी ख़राब हो गई है मेरी गाड़ी की, और इतनी जल्दी सिचुएशन ख़राब होगी मेरी गाड़ी की, ये मैं क्या कोई भी नहीं सोचेगा कि 5 साल में गाड़ी का पेंट उतरने लगेगा। एंड पेंट भी इस तरीके से कि जैसे ऐसा नहीं है कहीं डेंट लगा है और वहाँ का पेंट उतर रहा है, पेंट ऐसा कि बस ऐसे पपड़ी की तरह वो उखड़ता चला जा रहा है, आप हाथ लगाओगे तो भी वो निकल जाएगा। तो इस तरीके का पेंट क्वालिटी जो है वो हुंडई प्रोवाइड कर रहा है, और मैंने ये अपनी गाड़ी में नहीं, मैंने ज़्यादातर क्रेटा में देखा है और उसी जगह पे देखा है। मुझे नहीं पता ये किस तरह के पेंट क्वालिटी यूज़ करते हैं और ऐसा क्या है कि केवल इसी जगह पर ही ख़राब होता है। तो वो जगह कौन सी है मैं आपको वो दिखाने वाला हूँ, और आप भी हैरान होंगे कि पेंट इतनी बुरी तरीके से कैसे उखड़ रहा है। चलिए दिखाता हूँ मैं। और मेरी गाड़ी है हुंडई क्रेटा, 2017 मॉडल है, अभी 5-6 साल हुए, और हाल दिखाता हूँ मैं आपको। ये रहा इसका हाल, ये पहले इतना छोटा सा था और ये धीरे 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 देखो ये पूरा निकल रहा है, और ये देखो देखो इस तरीके से निकल रहा है। ये हाल है इनके पेंट का, और ये पूरे में ये देखो आप, ये सिलवट बन रही है, शायद आपको क्लियर दिख रहा हो, ये देखो आप सिलवट बन रही है, ये भी उखड़ रहा है, अंदर मॉइस्चर चला गया है, ये जगह जगह से देखो, ये देखो उखड़ रहा है, और ये हाल इस जगह पे पेंट क्वालिटी आप देख लो कितना बुरा हाल है हुंडई की गाड़ी का, जो कि ये इनकी सबसे प्रीमियम गाड़ी है, जो सबसे ज़्यादा सेलिंग कार है इनकी हुंडई की, और इसमें इतना बुरा हाल है। और कहीं ऐसा इशू नहीं है, और जगह पे एक आध जगह डेंट है, डेंट का तो नहीं कुछ कह सकते, बट पेंट क्वालिटी तो रियली में, ये मेरा पहला डेंट था, तो मैंने इसको जो गाड़ी में पहला डेंट होता है वो नहीं हटवाना चाहिए वैसे, कि मैंने बहुत जगह कंप्लेन कर दी है, मेल कर दिया है, लेकिन हुंडई बहुत अच्छा रिस्पांस दे नहीं दिया, और सर्विस सेंटर पे भी वो लोग कह रहे हैं इसके चार्जेस लगेंगे, बट पेंट क्वालिटी के चार्जेस मुझे समझ में नहीं आ रहा है। देखते हैं, आज मैं फिर जा रहा हूँ सर्विस सेंटर, और उन्होंने बोला था सुबह आप गाड़ी दे देंगे, शाम तक अप्रूवल ले लेंगे वो। अब किस चीज़ का अप्रूवल लेंगे, कितने अमाउंट का अप्रूवल लेंगे, ये मुझे नहीं पता, वो मैं आपको शाम को बताऊंगा क्लियरली कि उन्होंने कितना हुंडई कितना रिम्बर्स करेगी। हालांकि मैं एक भी पैसे देने वाला नहीं हूँ, कि कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पेंट एटलीस्ट नहीं उतरना चाहिए। मैं तो ये नहीं कह रहा हूँ 10 साल 12 साल के बाद, लेकिन 5-6 साल में तो मारुति की सबसे ख़राब बिल्ड क्वालिटी बोलते हैं, लेकिन हुंडई तो बाहर का ब्रांड है, इन्हें तो मेंटेन करना चाहिए, खैर रेपुटेशन के लिए तो मेंटेन करना ही चाहिए, 5-6 साल में गाड़ी का पेंट उतर रहा है, तो देखते हैं, मिलते हैं आपको शाम को। तो फाइनली मेरी गाड़ी आ गई है, और जो मैंने आपको बताया था कि इसमें जो पेंट का इशू था, अभी धूप आ रही मेरे को एकदम सीधे फेस पे, तो मैं ज़्यादा आँख खोल नहीं पा रहा हूँ। तो जो गाड़ी में पेंट का इशू था वो आपको मैंने पहले वाले शॉट में आपको एक्सप्लेन कर दिया था वो क्या इशू था, और वो बहुत कॉमन इशू है क्रेटा में, और हुंडई की कई गाड़ियों में ये इशू है, और हुंडई इसको सॉल्व भी कर रहा है, बट आपको थोड़ा सा एक्टिव रहना पड़ेगा और अपने डीलर से कंटिन्यूस कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा और पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा भाई क्या इशू है, और अगर कोई डेंट का इशू है तो वो रिजॉल्व नहीं करेंगे। लेकिन जिस तरीके से मैंने दिखाया था जो डिफेक्ट था इनका पेंट उतरने का, अगर वो हो रहा है तो वो ये इजीली सॉल्व करेंगे, और उसका ज़्यादा चार्जेस नहीं लगा मुझे, 1500 चार्जेस लगा, और आपने देखा था कितना ज़्यादा कितने बड़े एरिया में था पेंट निकला हुआ। तो मैं दिखाता हूँ बनने के बाद वो अब कैसा दिख रहा है, और हालाँकि आप खुद बताना
कि पहले वहाँ पे पेंट उतर रहा था कि नहीं उतर रहा था, तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये रही मेरी गाड़ी और इस जगह पे था, हालांकि अभी बारिश हो गई तो थोड़ा गंदा हो रहा है, बट यहाँ पे पूरा पेंट उतर रहा था। ये वाला जो ये पूरा एरिया था, जो कि आप देख सकते हो, आप कहीं पे भी कुछ भी निशान नहीं है इन्होंने, हालांकि 24 घंटे लिए और 24 घंटे में इन्होंने पूरा क्लियर करके दिया। और एक जगह और था, वो यहाँ पे था शायद, दिख रहा हो, ये वाला एरिया जो था, ये स्पॉयलर के पास जो इशू था वो भी इन्होंने सॉल्व करके दिया। बट थोड़ा सा आपको एक्टिव होकर के, थोड़ा पीछे पड़ के ये कराना पड़ेगा। और ये इशू जो है सारी क्रेटा में, जो पुरानी जितनी भी क्रेटा थी 2017 से 19 तक के जितने भी मॉडल हैं, उन सब में ये इशू है। तो हालांकि बेवकूफ़ी भरी बातें भी करते हैं, जब आप जाओगे तो आपसे कहेंगे कि सर ये कवर नहीं होगा और आप इंश्योरेंस में करा लो। आप इंश्योरेंस में बिल्कुल मत कराना, क्योंकि फिर वो आपके नेक्स्ट रिन्यूअल में उसका डिडक्शन हो जाता है। तो बेस्ट ये है कि आप इनसे थोड़ा, ये कह लो थोड़ा हार्श मत हो, बट पोलाइटली आप इनसे बात करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करवाओ। और जो भी कुछ फाइल चार्जेस वगैरह, जो भी इन्हें दिखाने के लिए जो मिनिमम लेबर चार्जेस लगते हैं, वो आपसे लेंगे 1,000-1,500 रुपीज़ के करीब, लेकिन आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और अगर आपकी गाड़ी में भी ऐसा इशू है तो प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, सो दैट मुझे भी पता लगे कि हाँ इट्स अ कॉमन इशू और नॉट। मेरा जो एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से ये कॉमन इशू है, क्योंकि मैंने कई सारी क्रेटा में देखी है, i20 में भी देखी है मैंने, तो पेंट इनका उतरता है, बहुत ख़राब क्वालिटी का ये पेंट करते हैं। तो हालांकि मुझे एक्सक्यूज़ ऐसा दे रहे थे कि यहाँ पानी रुक जाता है, तो मैंने कहा रूफ़ का भी, जो रूफ़ पे भी तो पानी रुकता है बारिश में, तो वहाँ का क्यों नहीं उतरता। तो खैर उसका इनके पास कोई आंसर नहीं है, बस अनाप शनाप कुछ भी बोलना है। लेकिन इन द एंड मेरा काम सॉल्व हो गया विद इन 24 आवर्स। सुबह मैंने गाड़ी दी थी, अगले दिन सुबह मुझे इन्होंने गाड़ी हैंड ओवर कर दी। तो प्लीज़ एक्टिव होकर के आप इस चीज़ को सॉल्व करा सकते हैं। एंड कुछ भी आपको भी लगता है कोई और इशू है तो प्लीज़ आप मुझे बताएं, शायद मैं आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाऊँ या आपको कोई बेटर सजेशन दे पाऊँ, सो दैट आप अपनी प्रॉब्लम को किसी हर्डल के बगैर और किसी दिक्कत के बगैर आप उसको सॉल्व कर पाए। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, ये मैंने बहुत दिन से वीडियोस नहीं डाली, करीब करीब 4-5 महीने हो गए, कुछ इश्यूज थे, पर्सनल इश्यूज, और कुछ टाइम नहीं मिल रहा था, क्योंकि जॉब के साथ आप नहीं कर सकते हैं ये सब चीज़ें। बट अब वीडियोस रुकेंगे नहीं, लगातार मिलेंगी। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, सो दैट आपको सारे अपडेट्स मिलते रहें, जो भी कंपैरिजन है या कुछ भी नया टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ भी आता है, तो वो मैं वीडियोस कंटिन्यूसली अब डालता रहूँगा। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, टेक केयर, अपनी फैमिली का ध्यान रखें, बाय बाय।